कहते हैं क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन शिल्पा मैडम ने शायद ये कहावत सुनी नहीं होगी। सो इस लेडी ने जेंटलमैन ना होते हुए भी सीधा जंप मार दिया आईपीएल के मैदान में और अपने हवर ब्रांड राज कुंद्रा के साथ ले ली ओनरशिप राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन क्रिकेट के बारे में शिल्पा की नॉलेज उतनी ही है जितनी की शेन वॉन को ज्ञान है राजस्थानी थाली के बारे में। Hence, she ended up doing what she is best at, यानी कि doing an item number for the team. लेकिन शिल्पा जी सिर्फ आइटम सॉन्ग्स करके और ब्रांड एम्बेसडर बनके तो टीम की ओनरशिप नहीं मिलती, उसके लिए पेपर वर्क भी करना पड़ता है। और लास्ट ईयर आईपीएल को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू होते ही जब राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि टीम में शिल्पा और राज की ओनरशिप को लेकर बड़े ही झोल हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने तो ये तक कह दिया कि शिल्पा टीम की ओनर ही नहीं है, मतलब शिल्पा किसी और की टीम के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गई। हाँ, और आइटम सॉन्ग करने के बाद भी उनका नाम मुन्नी की तरह बदनाम हो गया, जबकि उन पर लगने लगे लांछन कि इस पूरी ओनरशिप के झोल के पीछे थी शायद ब्लैक मनी को वाइट करने की पोल। बस फिर क्या था, बोर्ड ने लगा दी इस टीम पर आईपीएल खेलने से रोक। कभी अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर तो कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पा सफाई और दुहाई देती रही कि उनकी टीम फ्रेंचाइजी में कोई गड़बड़ नहीं है। एंड शी ओन्स 12% स्टेक इन द टीम अलोंग विद हस्बैंड। 12% स्टेक का पता नहीं, पर उनके 12 जरूर बच गए थे। फाइनली राजस्थान रॉयल्स को इस साल आईपीएल में खेलने का चांस तो मिल गया, मगर अब भी टीम के ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में शिल्पा के नाम के सामने सबको सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं। शिल्पा मैडम अपनी टीम के साथ शट अप एंड बाउंस करने के पहले जरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बना लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी आईपीएल टीम की वजह से शिल्पा को समझ में आ गया है कि लाइफ्स अ पिच, और हमारे आज के काउंटडाउन में शिल्पा के ये लॉयल राजस्थान रॉयल आईपीएल टीम बन जाती है उनकी फॉली नंबर 10।